हाय दोस्तों, टेक न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के टेक न्यूज में हम बात करने वाले हैं जीपीएस सिस्टम के बारे में। इंडिया में 2700 यानी कि 2700 से ज्यादा ट्रेनों में लगाया जाएगा जीपीएस सिस्टम। जी हां दोस्तों, ट्रेनों की सही जानकारी देने के मकसद से सरकार दिसंबर 2018 तक 2700 से ज्यादा इलेक्ट्रिक इंजनों पर जीपीएस सिस्टम लगाने की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रियल टाइम ट्रेन ट्रैक सिस्टम लागू कर रही है, जिसमें इंजनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। इससे ट्रेन के आने और जाने के समय को अपडेट करने के लिए रियल टाइम रिपोर्टिंग में लगभग 99.3% हमें विश्वसनीयता देखने को मिल सकती है। इसके बाद की टेक न्यूज एक वायरस के बारे में, जो आपके फोन को लॉक करके आपके पास पैसे मांग सकता है। जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत में ही एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स पर एक खतरनाक वायरस का खतरा मंडरा रहा है। अब एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर एक ऐसे ही रैंसमवेयर डबल लॉकर का खतरा आ चुका है, जो बहुत ही खतरनाक है। डबल लॉकर वायरस एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के हैंडसेट का पिन चेंज करके उसके डेटा चुरा लेता है और साथ ही फोन को भी लॉक कर देता है। इसके बाद वो फोन के लॉक करने के बदले में आपके पास पैसे मांग सकता है और पैसे की रकम होती है 4000 रुपये। 4000 रुपये अगर आप 24 घंटे के अंदर देते हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक किया जाएगा। अगर आप इसे पूरा नहीं करते तो आपके फ़ोन के डेटा को उड़ाकर उसे वो बर्बाद कर देता है। ये वायरस फेक एडोब फ्लैश के तहत एक एंड्रॉइड फ़ोन से दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन में जाता है। ये वायरस एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सीधे आपकी सिस्टम परमिशन पर अटैक करता है। एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट के तौर पर ये सेट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यूजर्स अपने स्मार्टफोन के होम बटन पर टैप करता है तो ये वायरस एक्टिव हो जाता है और आपके स्मार्टफोन को लॉक कर देता है। इसके बाद की टेक न्यूज़ एक गैजेट के बारे में है, जो आपके घर के सारे कॉकरोचों को पकड़ के मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा मगर ये बात बिल्कुल सच है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके किचन में कॉकरोच ना मिले। घर में कॉकरोच की प्रॉब्लम लगभग सभी को होती है और ये एक ऐसा जीव है जो हर हाल में जिंदा रहता है और इनकी संख्या भी चीन की पॉपुलेशन की तरह बढ़ती जाती है। कॉकरोच को भगाने के लिए घर की महिलाएं अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है, मगर इसे भगाना आसान नहीं होता। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें इसे मारना ही पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखकर एक कंपनी ने एक गैजेट बनाया है जिसका नाम है RBTZ ट्रैप मशीन, और इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन इसकी प्राइस करीब 500 रुपये रखी गई है और इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये कॉकरोच के साथ साथ छोटे बड़े और भी कीड़ों को मार सकता है। ये एक तरह का ट्रैप मशीन है जिससे कॉकरोच आकर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल सकते। इस गैजेट में आपको दो अलग अलग बॉक्स दिए जाएंगे जिसमें आप नीचे और ऊपर दोनों तरफ खाना रख सकते हैं। दोनों बॉक्स में चार चार कांटे वाले ब्लेड लगे होते हैं और इन ब्लेड को बॉक्स में इस तरह से फिक्स किया गया होता है कि कॉकरोच आसानी से अंदर तो आ जाए मगर वो बाहर ना निकल सके। बॉक्स के ऊपर का कवर ट्रांसपेरेंट होता है जिससे कॉकरोच एक बार अंदर आ जाए तो आप उसे बाहर से देख सके। क्या आपके घर में कॉकरोच है, जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद की टेक न्यूज एक वायरस के तरफ से है, जो आपको लाखों रुपए का चूना लगा सकती है अगर आप भी एक एंड्रॉइड यूजर्स हैं और मोबाइल ऐप के जरिए आप बैंक की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एक एंड्रॉइड मेलवेयर ने करीब 232 बैंक को अपना टारगेट बनाया है और इस टारगेट में इंडियन बैंक भी शामिल है। इस मेलवेयर का नाम है android.banker.a9480। क्विक हिल सिक्योरिटी लैब ने इस बात का खुलासा किया है और रिपोर्ट में कहा कि ये बैंकिंग ऐप की तरह ही काम करता है। लॉगिन पासवर्ड मांगता है, ओटीपी डिटेक्ट करता है और उसे मार्केटिंग या फिर उल्टे सीधे सर्वर पर अपलोड करता है। बैंकिंग ऐप के अलावा ये ऐप आपके फोन में मौजूद क्रिप्टो करेंसी ऐप पर भी पूरी तरीके से नजर रखता है। अगर आपने अपने फोन में किसी भी बैंक ऐप को इंस्टॉल किया है तो आप उसका डेटा क्लियर करें। मैसेज या ईमेल में आए हुए किसी भी लिंक पर क्लिक करके किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। फोन की सेटिंग में जाकर नॉन सोर्स को डिसेबल करें, इससे थर्ड पार्टी ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगी। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अलावा किसी और थर्ड पार्टी सोर्स से ऐप को डाउनलोड ना करें। अगर आपके फोन में अपडेट आया है तो फटाफट उसे अपडेट करें और सेटिंग में जाकर उसका अबाउट चेक करें। डाउनलोड फोल्डर में चेक करें कि कोई ऐसा तो डाउनलोड नहीं हुआ कि जिसे आपने डाउनलोड किया ही नहीं हो। सावधान रहें, अलर्ट रहें और इस तरह की जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इस तरह के वायरस से बच सकें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे वीडियो डेली यहाँ पर देखते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।